डिकॉक्शन। इन्फ्यूजन मतलब इसमें क्या होता है कि जो बॉइल वाटर है, जिस ड्रग का हमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट चाहिए उसके ऊपर उसको पोर करते हैं, ड्रग के ऊपर बॉइल वाटर को, देन उसको यानी 15 मिनट के लिए स्टैंड या फिर अलाउ करते हैं कि वो 15 मिनट तक वैसा ही रहेगा। उसके बाद उसका ओकेशनल स्टरिंग करते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको स्टर करना है, उसके बाद 15 मिनट होने के बाद उसको फिल्टर करना है। लेकिन इसमें जो मार्क है उसे प्रेस नहीं करना है, खाली हमें जिस तरह का फिल्टरेट मिलता है उसी तरह से उसको फिल्टरेट लेना है। तो इसमें क्या है, पहले बॉइलिंग वाटर को पोर करना है ड्रग के ऊपर, देन उसको स्टैंड बाय के लिए रखना है 15 मिनट तक, और उसके साथ साथ उसको स्टर करते रहना है। देन 15 मिनट के बाद उसको फिल्टर करना है। लेकिन उसमें मार्क है, जो मार्क रहेगा यानी सॉलिड फॉर्म में फिल्टर करने के बाद जो पोरस मीडियम के ऊपर जो रहेगा मार्क, उसको प्रेस नहीं करना है, खाली जितना अलाउ होता है फिल्टरेट उसको लेना है। वो रहेगा आपका इन्फ्यूजन। इसमें इन्फ्यूजन की दो मेथड्स यूज होती है, एक है फ्रेश इन्फ्यूजन और दूसरा है कॉन्सनट्रेटेड इन्फ्यूजन। ये जो फ्रेश इन्फ्यूजन है उसको जैसे बनाने के बाद 12 आवर्स के अंदर उसको यूज करना पड़ता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन डबल मैसरेशन ट्रिपल मैसरेशन प्रोसेस होने के बाद उसको वाटर के साथ वॉल्यूम मेकअप करके उसको एज अ फ्रेश इन्फ्यूजन करके यूज करते हैं। तो इसके जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम टाइम आता है क्वेश्चन, तो हम इसके डिफरेंस बिटवीन देखेंगे फ्रेश इन्फ्यूजन एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन। इसका पहला पॉइंट है लिटिल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। क्या है ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट? इसका पहला पॉइंट क्या है कि इसमें 20 to 25% अल्कोहल इज यूज्ड एज अ मेन्स्टर। इसमें एक्वस सॉल्यूशन आता है और इसमें जो अल्कोहल है एज अ मिक्सचर करके यूज होता है। इसमें कोर्स पाउडर ऑफ ड्रग इज यूज होते हैं, और ये जो है कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन ये 8 to 10 times स्ट्रॉन्गर देन फ्रेश इन्फ्यूजन, क्योंकि इसमें अल्कोहल है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा रहता है, इसलिए ये फ्रेश इन्फ्यूजन से स्ट्रॉन्गर रहता है। देन इसमें फ्रेश इन्फ्यूजन में वाटर एज अ मिक्सचर करके यूज होता है, लेकिन ये प्रिपेयर होता है डबल एंड ट्रिपल मैसरेशन प्रोसेस से कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन। देन फोर्थ पॉइंट है फ्रेश इन्फ्यूजन में ये 12 आवर्स के अंदर इसको यूज करना पड़ता है, इट शुड बी यूज विद इन 12 आवर्स। देन इसमें फोर्थ पॉइंट है कि डाइल्यूट 1 वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन, यानी जितना वॉल्यूम आया है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन जो बना है तो उसको यूज करने से पहले एक पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन का उसको डाइल्यूट करते हैं 7 पार्ट ऑफ वाटर के साथ, तो वो क्या होगा आपको फ्रेश इन्फ्यूजन मिलेगा। तो इसमें ये जो फिल्ट्रेट आया है इसको 12 आवर्स के अंदर यूज करते हैं, लेकिन इसको बनाना पड़ता है जो कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन आया है उसका 1 वॉल्यूम लेना है 7 वॉल्यूम ऑफ वाटर के साथ, तो उसको एज अ फ्रेश इन्फ्यूजन करके यूज कर सकते हैं। देन डिकॉक्शन। डिकॉक्शन में क्या होता है कि ड्रग और वाटर एक साथ बॉईल करने को रखते हैं 2 मिनट के लिए। देन उसका जो स्ट्रेन या फिर लिक्विड आता है उसको स्ट्रेन करने के बाद तो उसमें उसके ऊपर से वाटर को पास करते हैं, यानी जो स्ट्रेन है उसके ऊपर से वाटर पास करते हैं। देन जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है 10 ml है 20 ml है, फिर उसको वॉल्यूम मेकअप करते हैं। देन ये जनरली यूज होता है जो वेजिटेबल ड्रग्स है जिनका हार्ड या वुडी नेचर रहता, वो ड्रग डिकॉक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं एक्टिव कंस्टिट्यूएंट निकालने के लिए, जिन जो वेजिटेबल ड्रग्स है और हार्ड एंड वुडी है ऐसे ड्रग्स यूज होते हैं डिकॉक्शन प्रोसेस में।
देन डिफरेंस भी पूछा जाता है कि इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन का डिफरेंस बिटवीन क्या है। तो इसमें पहले इन्फ्यूजन में कोल्ड और बॉइल्ड वाटर यूज होता है एज अ मिश्रण करके, और डिकॉक्शन में क्या होता है, ड्रग को वाटर के साथ बॉइल करते हैं। देन इन्फ्यूजन में इसमें जो सॉफ्ट टिश्यू वाले ड्रग्स हैं उसे यूज करते हैं, और इसमें जो हार्ड एंड वुडी टिश्यू वाले ड्रग्स यूज करते हैं डिकॉक्शन में। देन इसमें जो इन्फ्यूजन में ड्रग कंस्टिट्यूएंट आएंगे वो मे बी वोलाटाइल रह सकते हैं। वोलाटाइल मतलब रूम टेम्परेचर की जो वोलाटाइल ऑयल्स वगैरह रहते हैं या फिर वोलाटाइल सब्सटेंसेस रहते हैं, तो वो क्या रहते हैं कि जिनका रूम टेम्परेचर पे वेपर फॉर्म करते हैं उसे कहते हैं वोलाटाइल। तो इसमें जो इन्फ्यूजन में है वो ड्रग कंस्टिट्यूएंट में भी वोलाटाइल रह सकते हैं, और डिकॉक्शन में ड्रग कंस्टिट्यूएंट शुड नॉट बी नॉन वोलाटाइल। इसमें वोलाटाइल है, इसमें नॉन वोलाटाइल है। देन इन्फ्यूजन में फाइनल वॉल्यूम एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन डिकॉक्शन में फाइनल वॉल्यूम एडजस्ट नहीं करना पड़ता। तो आज हमने देखा इन्फ्यूजन में क्या करते हैं, ड्रग के ऊपर बॉइल वाटर पोर करते हैं और उसको 15 मिनट तक स्टैंड रखते हैं या फिर अलाउ करते हैं। देन उसके साथ साथ ओकेशनल स्टरिंग भी चालू रहती है। देन उसको फिल्टर करने के बाद जो मार्क बचता है उसको प्रेस नहीं करना है, खाली फिल्टरेट ही यूज करना है। देन इन्फ्यूजन के दो मेथड है, फ्रेश इन्फ्यूजन और कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन, जिसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट यूज होता है और उसमें 20 से 25% अल्कोहल एज अ मिक्सचर करके यूज होता है। देन इसमें फ्रेश इन्फ्यूजन में कोक पाउडर यूज करते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन 8 से 10 टाइम स्ट्रॉन्गर रहता है फ्रेश इन्फ्यूजन से। देन फ्रेश इन्फ्यूजन में वाटर एज अ मिश्रण करके यूज करते हैं, और इसमें डबल या ट्रिपल मैसेलेशन प्रोसेस यूज होती है। देन ये जो फ्रेश इन्फ्यूजन है उसको 12 आवर्स के अंदर यूज करना पड़ता है, और जो कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन है उसको एक वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन का लेके उसको 7 पार्ट्स ऑफ या फिर 7 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर के साथ डाइल्यूट करने के बाद उसको यूज करते हैं। देन डिकॉक्शन में क्या होता है, ड्रग और वाटर एक साथ बॉइल करते हैं 10 मिनट के लिए, और उसमें से जो लिक्विड है उसको स्ट्रेन आउट करते हैं। देन जो स्ट्रेन बचा है उसको वाटर के साथ वाटर पास करते हैं उसमें, देन उसका वॉल्यूम मेकअप करते हैं। देन इसमें जो वेजिटेबल सब्सटेंसेस है और उनका नेचर हार्ड एंड वुडी है वो सब्सटेंसेस डिकॉक्शन प्रोसेस के साथ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट करने के लिए यूज करते हैं। देन इसका डिफरेंस बिटवीन है इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन में, इसमें कोल्ड वाटर और बॉइल वाटर यूज करते हैं एज ए मिश्रण करके, और डिकॉक्शन में ड्रग बॉइल करते हैं वाटर के साथ। देन इसमें सॉफ्ट टिश्यू यूज होते हैं और इसमें हार्ड टिश्यू यूज होते हैं ड्रग के। उसके बाद ये जो इन्फ्यूजन है उसमें वोलाटाइल जो ड्रग कंस्टिट्यूएंट मिलेंगे वो वोलाटाइल रह सकते हैं और इसमें नॉन वोलाटाइल रहते हैं। देन इन्फ्यूजन में फाइनल वॉल्यूम एडजस्ट करना पड़ता है, और डिकॉक्शन में फाइनल वॉल्यूम एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। थैंक यू।